यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक हॉस्टल में 500 बच्चों के लिए 60 डेज का राशन है। 12 दिन के बाद उस हॉस्टल में 300 बच्चे और आ जाते हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो बचा हुआ राशन है वो उन बच्चों के लिए कितने दिन चल पाएगा। तो देखिए, यहाँ पे बचे हुए राशन से क्या मतलब है, तो बचे हुए राशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि जो यहाँ पे शुरू में 500 बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो राशन है वो कितने दिन चल रहा है, वो चल रहा है 60 डेज, ठीक है। 12 दिन के बाद वहाँ पे और बच्चे आ जाते हैं 300, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 500 बच्चे हैं ना, इन्होंने भी तो 12 दिन तक कुछ खाया होगा, पहले तो यही थे सिर्फ 500। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 500 बच्चों के लिए जो फूड है 12 दिन के बाद वो कितना रहेगा, तो वो रहेगा कितने दिन तक, वो रहेगा 48 डेज तक, क्योंकि पहले इन्होंने 12 दिन तक खाया, ठीक है। तो अभी कितने दिन चलेगा इन 500 बच्चों के लिए वो फूड, वो चलेगा 48 डेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ इसको, आफ्टर 12 डेज राशन्स विल लास्ट फॉर 500 स्टूडेंट्स। तो 500 बच्चों के लिए वो राशन कितने दिन चलेगा, वो चलेगा 60 माइनस 12, इट इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर इंक्रीज, मतलब पहले कितने थे, पहले थे 500, 300 और बढ़ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 500 प्लस 300, तो 300 बढ़ने के बाद वो बच्चे कितने हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 800, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, 500 बच्चों के लिए वो भोजन कितने, वो जो राशन है वो कितने दिन चल रहा है, वो चल रहा है 48 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि 800 बच्चों के लिए, अगर वहाँ पे 300 और आ जाते हैं तो हो जाते हैं 800, तो 800 बच्चों के लिए जो वो राशन है वो कितने दिन चल पाएगा, तो उसको मैंने यहाँ पे कर लिया लेट, लेट नंबर ऑफ डेज भी एक्स की, मान लीजिए वो एक्स डेज चलेगा। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना ये है इनवर्स वेरिएशन में, क्यों है इनवर्स वेरिएशन में, क्योंकि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है और दूसरी डिक्रीज होती है, तो इस तरह की जो सिचुएशन आती है ना उसमें हम क्या कहते हैं कि वो इनवर्स वेरिएशन में है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो राशन उतने दिन कम चलेगा, और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे तो राशन ज्यादा दिन चलेगा, ठीक है। तो देखिए इनवर्स वेरिएशन में है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 800, इट इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 48, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 48 और अपॉन में आ जाएगा 800, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 6 48, तो आ जाएगा 30। तो यहाँ पे 800 बच्चों के लिए जो वो फूड है वो राशन है वो कितने दिन चलेगा, वो चलेगा 30 डेज।